हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नवदिशा नेटवर्क में। फ्रेंड्स, मैं फिर से आई हूँ एक नया वीडियो लेके आपके लिए एमएस वर्ड में ही। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पैराग्राफ फंक्शन। हमने लास्ट वीडियो में फॉन्ट फंक्शन को सीखा था, आज हम पैराग्राफ फंक्शन को सीखेंगे। तो वही फिर से एक टॉपिक हम लेने वाले हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ ही कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही एमएस वर्ड स्टार्ट कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपका एमएस वर्ड स्टार्ट करने बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ फंक्शन। तो पैराग्राफ फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक, यानी एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके एक एक टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। साथ ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक ट्विस्ट की बात की थी, तो वही ट्विस्ट मैं अपने वीडियो के लास्ट में आपको समझाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ फंक्शन में पैराग्राफ अलाइनमेंट से ही। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट इनमें से कौन सा है और इनको कैसे यूज किया जाता है, तो इसके लिए पहले मैं कुछ मैटर टाइप कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैटर टाइप करने के मूड में ना हो और आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक मैटर टाइप हो जाए, जी हाँ ऐसा हो सकता है एमएस वर्ड में, तो आपको एक छोटा सा कोड डालना है यहाँ पे। और वो कोड है इक्वल टू RAND ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर बटन। या ये देखिए जादू, बिल्कुल ऑटोमेटिक थ्री पैराग्राफ्स आपके पास बिना टाइप किए हुए आ जाएंगे। ये एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड है, जैसे ही आप ये कोड डालेंगे आपके पास ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट चार तरीके के होते हैं जी। ये देखिए, ये है पैराग्राफ अलाइनमेंट। पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट, सेकेंड सेंटर, थर्ड राइट अलाइनमेंट एंड फोर्थ है जस्टिफाई। जी हाँ, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट इन द होम चैप्टर। तो होम चैप्टर में जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है इनका यूज कैसे किया जाता है। देखिए, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप अभी देख रहे होंगे कि हमने जो डेटा लिया है ये डेटा किसी एक साइड से बिल्कुल इक्वल चल रहा है, यानी एक मार्जिन के साथ चल रहा है, जबकि दूसरे साइड में मार्जिन अलग है, डिस्टर्ब है। तो अगर आप इन्हीं को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना चाहते हैं या डेकोरेट करना चाहते हैं प्रोफेशनली या इनफॉर्मल तरीके से, तो आप यही पैराग्राफ अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑलरेडी हमारा जो पैराग्राफ है वो सेट है, यानी कि इन चारों में से कोई एक अलाइनमेंट हमारा सेलेक्ट रहता ही है। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेती हूँ और पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसका मतलब होता है अगर आपको अपने पैराग्राफ्स को लेफ्ट साइड से इक्वल करना है तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट को लेंगे। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+L। जी, शॉर्टकट की के थ्रू भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट में हमारा आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा और देखिए जस्टिफाई पे जा रहे थे, इसीलिए आप लेफ्ट पे क्लिक करते ही आपका जो ये देखिए यहाँ से इक्वल हो गया और यहाँ से डिस्टर्ब हो गया। अब अगला जो है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की वो है Ctrl+C। जी हाँ, माउस रोकेंगे आप उस टूल पे ले जाके तो आपको शॉर्टकट की भी नजर आ जाएगी। Ctrl+C आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, सारे के सारी जो लाइन्स है वो सेंटर पॉइंट में आके इक्वल हो गई। वैसे तो हर सेंटर पॉइंट में हमारा नजर ही आएगा, बट सेंटर पॉइंट को ये पॉइंट मानकर राइट डाउन करती है और लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर देती है। देखिए यहाँ से इक्वल मार्जिन नहीं है, जबकि सेंटर पॉइंट में ये सारे सेंटेंस हमारे एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अलाइनमेंट वो है राइट अलाइनमेंट, Ctrl+R। ये क्या करेगा, आपके पैराग्राफ के राइट साइड के मार्जिन को इक्वल कर देगा और लेफ्ट साइड के मार्जिन को डिस्टर्ब कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस और इक्वल मार्जिन में चले, तो इसके लिए आप जस्टिफाई टूल का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+
जे। इस पे क्लिक करते ही देखिए दोनों तरफ के मार्जिन है जो वो इक्वली मेंटेन हो जाएंगे। जस्टिफाई का यूज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, ताकि हमारे स्पेस का यूज बहुत अच्छे से हो सके, मार्जिन एरिया बिल्कुल बराबर रहे, जिससे कि प्रिंटआउट वगैरह निकालने में और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और फॉर्मेटिंग भी बहुत कम करनी पड़ती है अगर हम पहले से ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है वो सेट कर लें तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपने सीखा पैराग्राफ अलाइनमेंट की, पैराग्राफ अलाइनमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम टेक्स्ट अलाइनमेंट के नाम से भी जानते हैं, आप इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं कि टेक्स्ट अगर आपको अलाइन करना है तो अलाइन का मतलब ही यही हो गया कि आपको लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जहां पर एक आध लाइन है आप वहां बोल सकते हैं, अगर कहीं पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आप उसे पैराग्राफ अलाइनमेंट का भी नाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पैराग्राफ फंक्शन से हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो अभी ये छोटा सा टॉपिक था पैराग्राफ अलाइनमेंट का। तो मैंने ये बेस लाइन से स्टार्ट किया है और अब जो हमारा बेस लाइन में नेक्स्ट टूल है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो इस पे क्लिक करते ही हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आएगा। देखिए लाइन स्पेसिंग से आप कुछ गौर कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये दो लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ रहा है और घट रहा है, और यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, 2.0 का गैप लेना है आपको या 2.5 का गैप लेना है आपको, उस हिसाब से ये पॉइंट्स जो है वो सेट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इन पैराग्राफ के बीच की लाइनों में अगर आपको मार्जिन ज्यादा देनी है यानी स्पेस ज्यादा देना है या कम देना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग से। अगर आपको पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग सेट करनी है, पैराग्राफ्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन भी दिया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर आपको स्पेस लेना है, एड करना है, तो यहाँ पे आपका जो स्पेस है पैराग्राफ के बीच में वो एड हो जाएगा, ठीक है। रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा इसको, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन क्या है। अब यहाँ पे हम मार्जिन सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्जिन सेट करने के लिए ये रहा हमारा स्पेसिंग, ठीक है। अभी हमें ये नहीं करना है, अभी हमें ये करना है स्पेसिंग। स्पेसिंग में देखिए आफ्टर में कितने पॉइंट का आपको स्पेस देना है, आप यहाँ से सेट कर लें, 6 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, ठीक है। लाइन स्पेसिंग में कितने पॉइंट का देना है, 1.5 लाइन का देना है, लाइन के हिसाब से स्पेस होता है, ठीक है। और कितने लाइंस में देना है, देखिए यहाँ पे सारा सेट हो रहा है, ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग सेट हो रही है, ठीक है। ये देखिए प्रीव्यू में भी आपको नजर आ रहा होगा, और बढ़ाएंगे देखिए ये लाइन में आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। मल्टीपल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग हो रहा है, ये बढ़ रहा है, यहां से कम हो रहा है, ये देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग बढ़ी, पैराग्राफ स्पेसिंग कम हुई। आफ्टर नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है कितने पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, और लाइन स्पेसिंग यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर है जर्नल में अलाइनमेंट, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या जस्टिफाई करना है। देखिए वो पैराग्राफ जो बीच में आपके हैं वो सारे सेट हो जाएंगे। आउटलाइन लेवल, आउटलाइन लेवल आपका लेवल फर्स्ट होना चाहिए या लेवल सेकेंड होना चाहिए, हेडिंग के लिए होता है, तो अभी फिलहाल हमने ये इतना पढ़ा नहीं है, तो इसको हम बॉडी टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और इंडेंशन जो है हमारा, इंडेंशन हम अभी आगे टूल करने वाले हैं, तो इंडेंशन मैं आपको यही समझा देती हूँ कि क्या होता है। देखिए ये है हमारा इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है कि जो हमारा रूलर है वो अगर पेज के मार्जिन से और ज्यादा बढ़ाना है, रूलर का एरिया या मार्जिन का एरिया आप जो भी बोले, रूलर नहीं बढ़ेगा, रूलर कम होगा, यानी रूलर का एरिया कम हो जाएगा इंडेंट को कम करने से या बढ़ाने से, तो यहीं से सेटिंग होती है आपकी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इंडेंट का यूज क्या होता है, मार्जिन को घटाना या बढ़ाना, कहाँ से, रूलर एरिया से। तो ये वही चीज है इंडेंशन। तो इंडेंशन में लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपको मार्जिन बढ़ानी है, तो देखिए पैराग्राफ का जो मार्जिन एरिया बाकी पैराग्राफ्स के अलावा ये बढ़ रहा है यहाँ से,
जितने इंच में आप यहाँ से इसको बढ़ा रहे हैं, इंच वाइज होता है। राइट साइड से भी कम करना है इंडेंट, तो यहाँ से इंडेंट आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्पेशल में देखिए फर्स्ट लाइन में करना है, देखिए फर्स्ट लाइन में भी मार्जिन बढ़ गई, ठीक है। हेडिंग हैंगिंग भी करना है, हैंगिंग भी हो गई यानी अपोजिट, देखिए ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो आपको बहुत यूज होने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये सब मार्जिन है, सेट करने के तरीके हैं, और इसको इंडेंट फंक्शन के थ्रू हम सेट कर रहे हैं। अब इनमें गैपिंग कितनी होनी चाहिए, देखिए ये गैपिंग भी हम सेट कर सकते हैं। अब जो भी मैंने यहाँ पे सेट किया है उसको एक बार हम ओके कर लेते हैं। ओके करते ही देखिए वो सारे इफेक्ट हमारे हर पैराग्राफ में ऐड हो जाएंगे। हमने जस्टिफाई लिया था, जस्टिफाई आ गया। इंडेंट फंक्शन हमने यूज किया था, इंडेंट फंक्शन भी आ गया, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ से सीख चुके हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और कैसे सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल करना चाहूँ तो आप अंडू कमांड के साथ इसको नॉर्मल कर सकते हैं, या क्लियर फॉर्मेटिंग तो आपको पता ही है, आप पूरे पैराग्राफ को सेट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसके मार्जिन में भी अंतर आ गया और स्पेसिंग में भी अंतर आ गया, ठीक है। तो इंडेंट हमने अंदर से सीखा था, इंडेंशन करना अब हम टूल के थ्रू सीखेंगे। तो देखिए ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट, ये मार्जिन एरिया को बढ़ाता है और रूलर के एरिया को कम करता है। देखिए आपको जितना ज्यादा कवर करना है आप उतना ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक एक लाइन या एक एक पैराग्राफ पे करना है तो आपको लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन में जाके जैसे हमने अभी किया वहां से आपको सेट करना होगा, ठीक है। अगर आपको मार्जिन एरिया डायरेक्ट कम करना है इंडेंट, तो डिक्रीज इंडेंट से आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ सभी को? तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंशन, ठीक है। तो हमने ये दोनों टूल्स भी कर लिए। अब हमारा अगला टूल है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर पे पैराग्राफ्स या हेडिंग लाइंस अल्फाबेटिकल तरीके से लगाने हैं तो आप शॉर्ट टूल का यूज करेंगे, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी होगी। अगर आप यहाँ पे एक नेम लिस्ट टाइप में कुछ बना रखे हैं या कोई सिंपल सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिखे हैं या हेडिंग हेडिंग लिखी है, तो आपके हर हेडिंग की पहले लेटर चेंज होंगे, उसके हिसाब से चेंज होंगे। तो पहला लेटर चेंज होगा तो नाम भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ में क्या है कि ये भी चेंज होता है, पैराग्राफ भी चेंज होता है, बट ये फर्स्ट लेटर को काउंट करता है। आप सोचेंगे कि सारे काउंट हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हर पैराग्राफ या लाइन के फर्स्ट लेटर को ये रीड करता है और इसी को ये बेस मानकर शॉर्टिंग करता है, यानी असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग में और डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग में। यही रूल किसी भी हेडिंग, नेम लिस्ट या पर्टिकुलर लिस्ट पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप इसी को फॉलो करते हुए अगर शॉर्टिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं तो करें। तो फिलहाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पैराग्राफ्स को, और एक बात ध्यान से देख लीजिए कि हमारे जो पैराग्राफ्स हैं अभी कैसे हैं। ये किसी भी शॉर्टिंग में नहीं है, ये फ्री है। तो ओ पहले है, वाई बाद में है, फिर टी है, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग कोई रूल इस पे अप्लाई ही नहीं है। तो आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाना चाहते हैं पैराग्राफ्स को, तो इसको लगाने के लिए हम शॉर्ट पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट पर क्लिक करते ही शॉर्ट बाई आपको लाइन करनी है, पैराग्राफ करना है, क्या है। तो हमारे पास फिलहाल पैराग्राफ टाइप है, तो हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टाइप टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। अगर आपने टेक्स्ट यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसको टेक्स्ट बोला जाता है, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में है, मैटर है, तो हम टेक्स्ट ले लेंगे। अगर यहाँ पे नंबर लिखे होते लाइक मोबाइल नंबर वगैरह तो नंबर होता, अगर डेट लिखी होती तो डेट आ जाती, ठीक है। तो टेक्स्ट ले लेंगे। हमें फॉर्मेट क्या लेना है, असेंडिंग में लेना है, तो हम असेंडिंग में लेंगे। असेंडिंग में करते ही हम इसको ओके करेंगे और देखिए ऑटोमेटिक हमारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर था उसके अकॉर्डिंग हमारे पैराग्राफ चेंज हो गए। ओ पहले था, पहले ही है, टी की जगह वाई था, लेकिन अब हमारा टी बीच में आ गया, यानी टी वाले पैराग्राफ हमारा बीच में आ गया और वाई वाला पैराग्राफ हमारा नीचे चला गया है, ठीक है। यानी ये ऑर्डर लिस्ट में आ गया है अल्फाबेटिकल। अब आपको अगर रिवर्स करना है यानी डिसेंडिंग में करना है, तो डिसेंडिंग में करने के लिए अगेन आपको शॉर्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से डिसेंडिंग पर क्लिक करना होगा। डिसेंडिंग पर क्लिक करते ही आपका ये
ये देखिए वाई लास्ट में आता है तो शुरू में आ गया, देन टी देन ओ, रिवर्स हो गया बिल्कुल ही। तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकल कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो आप शॉर्ट टूल का यूज करके कर सकते हैं इन तीनों पैराग्राफ्स पर, ठीक है। इसी तरीके से पर्टिकुलर कोई फील्ड है यानी कि कोई पैराग्राफ है, कोई लाइन है, तो आप उसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फील्ड वन ले लिया आपने, असेंडिंग करना है तो असेंडिंग इस तरीके से, देन फील्ड वन अगेन, ठीक है, या फील्ड टू है और भी कुछ आपने टाइप कर रखा है, हेडर रो के हिसाब से होना चाहिए या हेडर, यहाँ पे फिलहाल तो हमने कोई हेडर रो या कॉलम रो ले नहीं रखा, ये नॉर्मल है। तो आप यहाँ से सिंपल ये एक पैराग्राफ से रो वाइज तो आप हेडिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ओके कर देंगे और जो भी इफेक्ट आप लगाएंगे यहाँ पे लग जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास कोई फील्ड नहीं थी यानी बॉक्स वगैरह में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए हमने इसको शॉर्टिंग नहीं की। ये जैसे हमने नॉर्मल शॉर्टिंग की थी पैराग्राफ के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में ही शॉर्टिंग हमारी रह गई। फील्ड्स का मतलब होता है कि टेबल के अंदर कोई शॉर्टिंग करनी है तो वहाँ पे हम फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल ये सारी चीजें अभी सीखी नहीं है तो हम आने वाली वीडियो में इसको डीपली सीखेंगे। फिलहाल आप पैराग्राफ को शॉर्टिंग करना सीख चुके हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा शो और हाइट। शो और हाइट का यूज क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी मैं इनके मार्जिन को कम कर दूं, ठीक है, इनके मार्जिन को अगर हम कम कर दें और अब हम चाहते हैं कि हमें कोई भी लाइन या पैराग्राफ या सपोज हमने जो मार्जिन कम की है ना भी करें, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि इस स्टार्टिंग लाइन कौन सी है और एंड लाइन कौन सी है, तो शो एंड हाइट पॉइंट से हमें इसका पता चल सकता है। ये देखिए ये मार्क हो जाएगा कि एंडिंग पैराग्राफ की एंडिंग कहाँ पर है, ये देखिए, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये मार्क कर देता है जस्ट, और आप चाहते हैं कि अब ये मार्किंग हट जाए यानी आप ये मार्किंग लगा कर नहीं रखना चाहते तो इसी पर वापस क्लिक करके आप मार्क को हटा सकते हो। तो ये जस्ट एक डिनोट करता है कि लाइन कहाँ शुरू हो रही है और लाइन कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये था शो और हाइट टूल जिसका यूज क्या किया हमने मार्किंग करने का। इसका शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रहा होगा, कंट्रोल प्लस स्टार बटन। तो स्टार बटन आपको नंबर की में भी दिया हुआ है और अगर आप अल्फाबेटिकल साइड से स्टार बटन का यूज करना चाहेंगे तो आपको शिफ्ट बटन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंड 8 दबाएंगे जिसपे स्टार है तो आपका मार्किंग लग जाएगा, ये देखिए। अगर डायरेक्ट कंट्रोल प्लस 8 दबाएंगे तो आपका फिर 8 टाइप हो जाएगा, तो इसीलिए आपको शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट की यहाँ शो हो रही है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट मिस है तो शिफ्ट आप खुद लगाना पड़ेगा। अगर आप नंबर कीज की साइड से कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका यूज हो जाएगा। कई बार नंबर की साइड का जो स्टार बटन है ये मल्टीप्लाई के लिए भी यूज किया जाता है तो ये काम नहीं करता, इसीलिए आपको शिफ्ट के साथ नंबर 8 को दबाना होगा अल्फाबेटिकल साइड से जो सबसे ऊपर वाली रो में फंक्शन रो के नीचे आपको मिलेगा, ठीक है, नंबर रो में। तो ये देखिए यहीं से ये हट भी जाएगा और यहीं से लग भी जाएगा। अगर आप टूल से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो टूल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये तीनों पॉइंट्स हम करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ फंक्शन हमारा इस वीडियो में खत्म हो जाए क्योंकि ये पैराग्राफ फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ओके, आप थोड़ा सा कहते हैं ना पेशेंस रखें, वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर कुछ नया ही मिलेगा इसके अंदर। तो बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट, इन तीनों का यूज करके आप एक बहुत ही कहते हैं ना अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से लिस्ट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लिस्ट बनाना है किसी पॉइंट को लगाकर, जैसे कि आंसरिंग करते हैं हम क्वेश्चंस के तो पॉइंट्स लिख देते हैं नंबर 1 नंबर 2, या हम डैश बना देते हैं, डॉट बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, तो इस टाइप के अगर सिंबल्स लगाकर या नंबरिंग लिखकर आपको कोई लिस्ट मेक करनी है
जिसको हम अनऑर्गेनाइज डेटा भी बोलते हैं, तो इसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना है तो आप बुलेट नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। इन तीनों का यूज अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बुलेट सीखेंगे। बुलेट से आप किसी भी डेटा को अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जैसे पैराग्राफ है, इसमें आप किसी सिंबल को इनके आगे लगाकर ये दिखा देंगे कि यहाँ से कोई नया पॉइंट है, कोई नया पैराग्राफ है, बट आप उसको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ 3 पैराग्राफ्स है तो आपने काउंट कर लिया। अगर पैराग्राफ 100 हो, 1000 हो, तो क्या काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पैराग्राफ को काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आप एकदम से नहीं बता सकते कि वो कितने पैराग्राफ्स है। आपको उसे स्टेप बाय स्टेप काउंट करना पड़ेगा। सो नंबरिंग देखते हैं। तो नंबरिंग के लिए आप नंबरिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, तो जो भी पर्टिकुलर फर्स्ट होगा ये आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी में जो आपके हैं सिंबल, आप इनका यूज करके बुलेट्स लगा सकते हैं इस तरीके से और लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बुलेट्स हटाना चाहते हैं तो वापस इसको नन पे ले जाके क्लिक कर देंगे तो बुलेट्स आपके हट जाएंगे। सभी पर हटाना चाहते हैं तो सारे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके नन पे क्लिक कर देंगे, आपका बुलेट्स जो है वो हट जाएगा यहाँ से, देखिए, ठीक है। यहाँ से भी वापस हटा लीजिए, ये देखिए, ठीक है, हट गए। अब वापस लगाना है तो आप बुलेट का यूज करके लगा सकते हैं। अब बुलेट्स में भी हम दो तरीके के सिंबल्स लगा सकते हैं। एक तो है कि पर्टिकुलर कोई चिन्ह, जिसे सिंबल बोल रही हूँ मैं बार बार, ये है, और एक है पिक्चर। यानी दो तरीके के बुलेट्स होते हैं, एक सिंबल फॉर्म में और एक पिक्चर फॉर्म में। तो आप इनके अलावा और कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो वो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर ढूंढ सकते हैं, या कोई और पिक्चर पैटर्न भी लेना चाहते हैं। ये पिक्चर बुलेट है, पिक्चर बुलेट के अलावा और कोई पिक्चर भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स में ही मिलेंगे। तो देखिए, बुलेट कैरेक्टर में सिंबल लेना है तो सिंबल, पिक्चर लेना है तो पिक्चर। फॉन्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये एज अ सिंबल है, तो वहाँ पे फॉन्ट आपका शो नहीं करेगा, फॉन्ट यानी फॉन्ट फेस, ठीक है। वो टेक्स्ट फॉर्म में आपको इन नंबरिंग लेंगे तो शो करेगा। तो इसके लिए सिंबल में जाएंगे। अब सिंबल में आपको कैसे सर्च करना है, कैसे देखना है, वो आप यहीं से देख पाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका सिंबल ओपन हो गया है। सिंबल में बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे आपको। अब जैसे ये वाला स्टार लगाना है आपको, सपोज आप ये वाला स्टार लगाना चाहते, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको इस डायलॉग बॉक्स को भी ओके करना, और देखिए ये सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया एज अ बुलेट। तो इसी तरीके से डिफाइन न्यू बुलेट में सिंबल पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करके और भी बहुत सारे डिफरेंट ढूंढ सकते हैं सिंबल्स। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये देखिए, ठीक है। स्पेशल जो सिंबल वाले फॉन्ट है आप उसका यूज करें। जैसे मैंने ये फोन वाला ले लिया, ओके करते ही फोन आ जाएगा, ठीक है। अब पिक्चर बुलेट की बात करते हैं, तो पिक्चर बुलेट के लिए आपको पिक्चर में जाना है। यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको पिक्चर बुलेट मिलेंगे, क्योंकि पिक्चर बुलेट एज अ बुलेट्स यूज हो रहे हैं, यानी एक पॉइंट के तौर पर यूज हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे ही होंगे, बड़े बड़े आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका पिक्चर बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था अनऑर्डर लिस्ट जो हमने बुलेट टूल के थ्रू क्रिएट किया है। अगला टूल है हमारा नंबरिंग। नंबरिंग से हम अपने डेटा को ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमने जितनी भी लिस्ट बनाई है वो हम एकदम से देख के बता सकते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में बने हैं, लाइक 1000 है, 2000 है, 100 है, 200 है, जितने भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबरिंग में ही आते हैं, पॉइंट्स में ही आते हैं, तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पैराग्राफ्स को, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखते ही समझ जाएंगे कि कैसे हम पता कर लेते हैं। 3 है तो 3 आ गया, 10 होगा तो 10 आ जाएगा। अब इसमें और भी नंबरिंग है, जैसे कैपिटल रोमन है, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, ठीक है। 3 तरीके से डिजाइन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, स्मॉल रोमन है तो ये लगाना है, आप ये वाले बुलेट्स लगाएं, ठीक है। देखिए, अगर आपको इनके अलावा और बुलेट्स पैटर्न चाहिए तो फिर से आप डिफाइन न्यू नंबर बुलेट्स में जाएंगे,
और यहाँ पर आपको नंबर स्टाइल में बहुत सारे स्टाइल पैटर्न मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3, 1 2 3 लेते हैं, और भी बहुत सारे। इस स्क्रॉल बार को नीचे करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे। तो 1 2 3 लेते हैं। अब यहाँ पर देखो फॉन्ट का ऑप्शन आ गया, तो फॉन्ट इसका चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। मैंने लिया अहरोनी, तो अहरोनी फॉन्ट हमने ले लिया है। इफेक्ट हमने बोल्ड लगाया है और इसका फॉन्ट साइज हमने 10 रखा है। फॉन्ट कलर भी चूज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हो, हमने रेड ले लिया। अंडरलाइन हमें नहीं लगाना है, अंडरलाइन कलर भी हमें चेंज नहीं करना है। इसके साथ एक्स्ट्रा फॉन्ट इफेक्ट भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, देखा डबल स्ट्राइक थ्रू भी आ गया, यानी कि यहाँ पर सिंगल था, अगर हमें डबल लगाना है तो डबल कैसे लगाएंगे, तो वो भी पॉइंट दिया हुआ है। इसको सेलेक्ट करते ही देखिए प्रीव्यू में आ जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। ओके, नहीं लगाना है तो आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद है ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स में तो बुलेट नंबरिंग लगता नहीं है क्योंकि ये फॉन्ट है, तो इसीलिए एक टेक्स्ट के फॉर्म में ले रहे हैं हम, तो इसीलिए ऑल कैप्स का दिया हुआ है। ऑल कैप्स आपको करना है तो ऑल कैप्स, अदरवाइज ये पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल में रहेगा, या हिडन करना है तो आप हिडन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे इफेक्ट लगा सकते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे आपके नंबरिंग में ये वाली नंबरिंग ऐड हो जाएगी। ये देखिए ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबरिंग टूल का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग हम मल्टी लेवल, यानी कि समझ ही आ रहा होगा आपको, जैसे जिसमें बुलेट्स, नंबरिंग या एक से ज्यादा हेडिंग का यूज करना हो, हमें इस टाइप की लिस्ट बनानी है तो हम वहां मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट ध्यान में आते ही आपको ध्यान आ रहा होगा मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जांपल है वो, कि अगर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, जैसे केबीसी वगैरह में पूछे जाते हैं, तो किसी एक ऑप्शन का आंसर देना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं, या इस टाइप के मैटर को आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखाती हूँ। फॉर्मेट लेने से पहले आपको यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मल्टी लेवल लिस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और उसके ऑप्शन ABC। फिर अगर क्वेश्चन हेडिंग A का भी कोई ऑप्शन है तो आप यहाँ से उसका भी हेडिंग दे सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए इतने सारे हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से नोट मेकिंग 9th 10th क्लासेस में हम अपने सिलेबस में सीखे होंगे या आप सीख रहे होंगे कि अगर कोई हमारा टाइटल है देन उसकी हेडिंग है तो हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग की सब हेडिंग तो वो हो गई 1.1, सब हेडिंग की सब हेडिंग है तो 1.1.1, इस टाइप का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से। बुलेट्स का अगर मल्टी लेवल आप यूज करना चाहते हैं मल्टी लेवल बुलेट टाइप में तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं हेडिंग का, ठीक है। तो इसी में आपको हेडिंग लिखी हुई आएंगी इस तरीके से, तो नीचे ऊपर वाले का ही यहाँ पे आपको एक परफॉर्मा दिया हुआ है, ये भी फॉर्मेट है और ये भी फॉर्मेट है, तो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। बेसिकली ये ज्यादा चलता है तो हम ये वाला चूज करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने पूछा कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देने हैं अब हमें 4। तो आप जो टाइप करने का तरीका है मल्टी लेवल लिस्ट, ये इसको ज्यादा जरूर फॉलो करें, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इसको आपको सीधा एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देने, ना कि क्वेश्चन नंबर 2 देना है। तो सिंपल सी एक चीज करनी है और वो क्या करनी है, इंक्रीज इंडेंट। ये देखिए इंक्रीज इंडेंट यानी मार्जिन बढ़ाते ही आपको सब हेडिंग मिल जाएगी। इंडेंट की बजाय आप टैब बटन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए बैक में चलते हैं, एंटर करेंगे आपको हेडिंग 2 मिल गई और टैब बटन दबाते ही कीबोर्ड से आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4, एंटर करते ही नेक्स्ट हेडिंग मिल जाएगी 5 C2 और D3। कमेंट करके बताइएगा कि कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ए सिंगल एंटर करने पर हमें फिर से एक हेडिंग मिल गई है, मैं यहाँ पे एक नन का भी ऑप्शन डाल देती हूँ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 टाइप करना है,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे डबल एंटर प्रेस करना होगा। सिंगल पे आपको है सब हेडिंग मिलेगी, डबल पे आपको क्वेश्चन नंबर टू की लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे सपोज आपको मेंशन करना है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जैसे मुझे देना है मेंशन करना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस फिर से ऑप्शन देने हैं ए बी सी डी, तो फिर से टैब दबाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा है सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेनली यही दो होते हैं, बाकी इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस टाइप से टाइप करके फॉर्मेट तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आप कोई भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं या इस टाइप की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये आप रो वाइज नहीं, आप अलग अलग इस तरीके से पेज पे, यहाँ जैसे ये बी ऑप्शन आप इसके बगल में करना चाहते तो ऐसे इस लिस्ट के थ्रू नहीं कर पाएंगे, आपको फिर वो अलग से बी लिख के टाइप करना होगा, तो उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड होता है। तो इसीलिए आप प्रेफर करें कि आप इस टाइप की लिस्ट बनाएं। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है उस ट्विस्ट की, जो मैंने बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि वो ट्विस्ट क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट वीडियो में टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज किया था, तो चलिए अब उसी के रिगार्डिंग एक शेडिंग टूल रह गया हमारा इस फंक्शन में, शेडिंग टूल के बारे में हम जानेंगे। तो शेडिंग टूल में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है। अब लाइन या पैराग्राफ को लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट कलर ले लें और यहाँ से हमारे जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएंगे। पर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बीच में जो इसका मार्जिन है यानी स्पेस है, लाइन स्पेस है, वो कवर नहीं कर रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जबकि शेडिंग करता है। कैसे, ये देखिए, ये मैंने शेडिंग यूज किया दूसरे पैराग्राफ पे, ये देखिए, ना कि इसने लाइन के बीच के स्पेस का कवर किया, साथ ही रूलर के मार्जिन के अकॉर्डिंग इसने पेज को भी हाईलाइट किया यानी उसको भी शेड किया, जबकि टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऐसा नहीं करता, जहां तक टेक्स्ट है वहीं तक करेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है शेडिंग एंड टेक्स्ट हाईलाइट कलर में, इस टूल में, कि ये सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और शेडिंग क्या करता है टेक्स्ट के साथ साथ अकॉर्डिंग टू पेज मार्जिन और टेक्स्ट के बीच के स्पेस को भी कवर करता है। अब हमने जो लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट तैयार किया था उसमें क्या था कि उसमें टेक्स्ट हाईलाइट कलर यूज किया गया था और सिर्फ टेक्स्ट तक ही हाईलाइटिंग थी विदाउट स्पेस, यानी कि बीच में स्पेस भी कवर था, यहाँ पे स्पेस में भी कलर फिल था, तो ऐसा लग रहा था कि हमने शेडिंग टूल यूज किया, लेकिन शेडिंग देख सकते हैं आप कैसे शेड कर रहा है, वो तो ऐसे नहीं था। तो ये ट्विस्ट ये था कि यहाँ पे हमने एक हेडिंग स्टाइल यूज की थी, वो हेडिंग स्टाइल हम कैसे यूज करेंगे ये देखिए। जैसे कि ये हमने पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है, इसको हम सेंटर पॉइंट दे देते हैं, आप सेंटर पॉइंट में ही हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा यहाँ पे क्या काम करना है वो देखिए, पहले हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर लेंगे, टेक्स्ट हाईलाइट कलर लेने पे ये ऑब्वियसली ऊपर की तरह ये फिर से स्पेस ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस को ये स्किप कर रहा है, ठीक है, स्पेस को क्या कर रहा है ये स्किप कर रहा है। तो हम यहाँ पे सारे लाइनों को सेलेक्ट करके पूरे पैराग्राफ को हेडिंग स्टाइल में जाके नो स्पेसिंग वाली हेडिंग ले लेंगे, ये देखिए, नो स्पेसिंग वाली हेडिंग स्टाइल लेते ही ये क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट तक हाईलाइटिंग करेगा और बाकी स्पेस को छोड़ देगा। देखिए जहां तक हमारा टेक्स्ट है इसने वहीं तक हाईलाइटिंग की है, अगर मैं इसको डिलीट भी करती हूँ तो देखिए ये हाईलाइटिंग वहीं तक रहेगी, जबकि शेडिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था हमारे टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग में। बहुत ही इजीली हम इसे नहीं समझ पाते कि कैसे हम इसके स्पेस को खत्म करें, तो ये यहीं से होगा, नो स्पेसिंग करके ही होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी होंगी। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है बट इसको आप बहुत ही पेशेंस के साथ सीखें, पेशेंस रखें तो काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। पैराग्राफ फंक्शन में हमारा एक टूल रह गया है बॉर्डर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।